हेलो गाइस गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर यूसी ब्राउज़र के बारे में। यूसी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको कई प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं, जैसे कि आप डाउनलोडिंग वगैरह करते हैं और वो बीच में ही रुक जाती है, या ऐसा होता है कि आपको सर्च में कुछ प्रॉब्लम आती है, या फिर आपका पेज नहीं खुल पाता है यूसी ब्राउज़र में, या फिर आपको यूसी ब्राउज़र चलते चलते लैग कर रहा है, या अनफॉर्चुनेटली हैज स्टॉप इट बता रहा है, या नॉट वर्किंग बता रहा है, रिस्पोंडिंग बता रहा है। तो यहाँ पर हम हर चीज़ को कैप्चर करेंगे और यहाँ पर आपको बताएंगे कि यूसी ब्राउज़र को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं एनीथिंग ऑल प्रॉब्लम। तो यहाँ पर गाइस आपको क्या क्या करना होगा, क्या क्या प्रोसेस है इसका, आज की इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊँगा। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा गाइस, और हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले तो गाइस मैं यहाँ से आपसे बताना चाहूँगा कि यूसी ब्राउज़र में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो यहाँ पर 90% तक सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन कुछ 10% प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं होंगी। ये शायद मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ज़्यादा लंबी वीडियो काफ़ी अच्छी रैंकिंग पर नहीं आ पाती। तो यहाँ पर गाइस सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको मेन्यू बार पे जाना होगा और अपने यूसी ब्राउज़र को ढूंढ लेना होगा। तो यूसी ब्राउज़र हमारा ये रहा, इसको आपको होल्ड करना है और यूसी ब्राउज़र को ले आना है ऐप इन्फो के अंदर। अब यहाँ पर ऐप इन्फो में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत लोगों को कन्फ्यूज़ हो रही होगी कि हमारे मोबाइल में तो मेन्यू बार का ही ऑप्शन नहीं है, तो हम मेन्यू बार में कैसे जाएं। तो कोई गाइस कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर आपको सेटिंग्स में डायरेक्टली वहीं पर लेके चलता हूँ, क्योंकि हर किसी के मोबाइल में आपको सेटिंग्स ज़रूर मिलेगी। सेटिंग्स में जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको ऐप्स में जाना है। ऐप्स में जाने के बाद जो है आपको नीचे जाना है, यूसी ब्राउज़र में चले जाना है। ये रहा हमारा यूसी ब्राउज़र, इसको खोल लेना है। जस्ट यहाँ पर आपको इसको फोर्स स्टॉप मार देना है, एक दफ़े ना है। यहाँ पर ये कहता भी है इफ़ यू फोर्स स्टॉप एन ऐप तो ओके कर दीजिए गाइस, और स्टोरेज में जाइए इसकी और स्टोरेज का डेटा क्लियर कर दीजिए। ध्यान रखिएगा गाइस कि आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपकी डाउनलोडिंग होगी वो यहाँ से सब ख़त्म हो जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसको ध्यान में रख कर ही आप इसको डेटा क्लियर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे होता है कि आपने कुछ डाउनलोडिंग पुश कर दी हो और उसके बाद आप चाहते हो कि कोई प्रॉब्लम ना आए तो मैं इस वीडियो को देखकर उसको सॉल्व कर सकती हूँ। यहाँ पर आप डेटा क्लियर कर देंगे तो आपको उसकी सारी डेटा ख़त्म हो जाएगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको परमिशंस दिखेंगी, तो यहाँ पर आपको समथिंग 7 परमिशंस दिखती हैं, तो 7ों की 7ों को आपको अलाउ कर देना। ये मेन इंपॉर्टेंट होता है हमारे यूसी ब्राउज़र के रिलेटेड। कैमरा जो कि हम कैमरा यूज़ करते हैं, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, लोकेशन जो हमारी अगर हम किसी वजह से अपनी यूसी ब्राउज़र में लोकेशन ढूंढने लग गए, मैप चलने लग गए तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। माइक्रोफोन में जैसे हम सर्च करने लग गए तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, और फ़ोन, SMS और स्टोरेज में भी यही है। स्टोरेज की मेन प्रॉब्लम ये है कि डाउनलोडिंग से क्रिएट होती है, जैसे कि आप डाउनलोड करते हैं और जब डाउनलोड करते हैं तो अगर ये परमिशंस आपकी बंद है तो आपकी डाउनलोडिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी, वो एटलीस्ट स्टार्टिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है आपकी यूसी ब्राउज़र की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, और अदरवाइज़ आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर 90% में से 10% जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी उनको भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि उस पर आपकी एक वीडियो भी बना दूँ। तो यहाँ पर गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।